अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अली कादरी, अली कादरी एसोसिएट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज हम लेके आए हैं पाम रेसिडेंसी, जिसकी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं अरशद भाई के साथ, अरशद गांधी के साथ हम वीडियो बना चुके हैं, मगर आज हम नए अपने एक स्टेट ब्रोकर हैं, हमारे बहुत अच्छे क्लोज हैं, उनके साथ हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं और उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे साइट पर जाके। और इस बार थोड़ी सी हमने अपनी वैरायटी में कुछ डिफरेंस किया है, हम लेके आए हैं 80 गज के साथ इस बार 120 गज भी, कि हम 120 गज को भी आपको प्रमोट करें और आपको बताएं 120 गज की फाइल भी आप ले सकते हैं। जैसा कि अभी हम हाईवे के ऊपर हैं और फिजान में दिखाइएगा, देखें अभी हम गडाब रोड से हम टर्न कर रहे हैं, गडाब रोड पर हम जा रहे हैं। आप ये देखें, ये गडाब रोड का कट आ गया हाईवे से, अभी इस पर हम टर्न कर रहे हैं और फिर हम अभी आपको साइड पर भी ले जाते हैं। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर नहीं लगे तो आप इग्नोर भी कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। आ जाए व्यूवर्स, हम गडाब रोड पे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फिर हमें दिखाएगा सामने बोर्ड, देखिए अटप टाउन का बोर्ड आता है ये गडाब रोड के ऊपर, अटप टाउन का बोर्ड आएगा तो आपने यहाँ पर टर्न करना है। ये तकरीबन है 7 फीट का रोड, आपको नक्शा भी दिखाऊंगा, नक्शे में 7 फीट रोड आपको दिखेगा। तो ये 60 फुट रोड के ऊपर देखें हम जा रहे हैं सीधा, अभी आएगा इसके ऊपर, इसी रोड के ऊपर तकरीबन 500 मीटर के बाद पाम सिटी रेसिडेंसी है, इसकी बाउंड्री वॉल भी लगी हुई है और वहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको समझ ही पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं पड़ता तो हम आपको विजिट भी करवा सकते हैं खुद जाती आके, तो मगर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर खुद से भी आते हैं तो आप इस लोकेशन के ऊपर आ सकते हैं। व्यूअर्स देखें, ये इसका एंट्रेंस आ गया है, ये मेन गेट है पाम सिटी रेसिडेंसी का, ये आपको मैंने मेन एंट्रेंस भी दिखा दिया, रोड भी एंट्रेंस का दिखा दिया था मैंने आपको, बाकी फिर अंदर जाके मजीद बात करते हैं। व्यूअर्स, हम आ गए हैं पाम सिटी रेसिडेंसी में, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम यहाँ पर आके आपका एक भाई से तारुफ भी कराएंगे और आपको यहाँ के मजीद 120 गज की डिटेल भी देंगे और 80 गज की डिटेल भी मजीद साथ वापसी देंगे, कि अगर जिस भाई ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो भी इस चीज़ को समझ सकते हो। फिजान में पहले तो आप यहाँ का सराउंडिंग विजिट करवाएगा, सराउंडिंग विजिट करवाएं के ना व्यू दिखाएं पहले यहाँ का पूरा बाइक हमारे व्यूअर्स को, कि ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट हुई भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपने देखा व्यूअर्स के यहाँ पर बाउंड्री वॉल यहाँ पर हुई हुई है और आपने यहाँ के व्यू भी देखा। अभी लाजमी बात है, डेवलपमेंट का काम वक्त के हिसाब से होता रहेगा और आप देखते रहेंगे और हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, मगर ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 6 महीने में हो जाएगा, ये सालों साल का काम होता है। तो हम आपकी आपका तारुफ कराएंगे हमारे बहुत अच्छे कुलीग, हमारे बहुत अच्छे दोस्त रमेश शिवानी से। वेलकम रमेश शिवानी भाई, आए और हमारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। ये रमेश शिवानी है, शिवानी रियल इस्टेट के ऑनर। तो व्यूवर्स, अभी मैं इनको इस बार 120 गज की हमें आपके लिए डिटेल लेने के लिए मैंने इनको हायर किया है, मैंने बोला हमारे व्यूवर्स के लिए आप हमें 120 गज की अपडेट दें, 80 गज की तो हम दे चुके हैं मगर वो भी हमें देनी है और 120 गज की भी देनी है। तो रमेश भाई, मुझे ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स अगर पहले तो बताएं कि ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है। बहुत ज़बरदस्त जगह है माशाल्लाह, यहाँ पे अगर कोई लेगा ना तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ बन जाएगी उनके लिए। तो अगर यहाँ कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो 80 गज की कटिंग भी है और यहाँ पर 120 गज की कटिंग भी है, तो यहाँ पर आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी इनको प्लॉट, कौन सी कटिंग का प्लॉट इनको लेना चाहिए? देखिए 80 गज है ना जो यहाँ पे, वो है तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का, सही है, और 120 गज है वो 6 से 7 लाख रुपए का है। तो ये अब अपने बजट के हिसाब से देखें, 80 गज भी लेंगे तो भी माशाल्लाह उनका फायदा है, और 120 गज लेते हैं जिनके पास है बजट इतना तो वो 120 गज ले लें। ये 2 साल बाद आने के इंशाल्लाह आगे ये जगह बहुत अच्छी चलने वाली है और माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप मालूम होगा कि सफारी के फेज़ 1 का, फेज़ 2 का माशाल्लाह, फेज़ 1 में पोजीशन भी है, रिहाइश भी है, और फेज़ 2 की माशाल्लाह रोड कटिंग भी चल रही है और डेवलपमेंट भी शुरू है। तो यहाँ की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? ये इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 साल इसके बाद इसका ये काम शुरू होगा, अभी इंशाल्लाह बाउंड्री वॉल डाली गई है। और यहाँ पर मुझे बताएं कि इसकी ट्रांसफर फीस क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से अगर कोई कस्टमर हमारा कोई व्यूवर्स लेता है तो किस तरीके से इसको ट्रांसफर आप करवा के देंगे या फिर आप खुद जाके डायरेक्ट करवाएंगे, ये भी पूरी डिटेल दे दें साथ में, काफी लोगों का सवाल था पिछली बार भी। ये जैसे कि फाइल लेंगे ना जी, तो माशाल्लाह ऑफिस से है, सोसाइटी ऑफिस, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर होता है और हाथ के हाथ माशाल्लाह इनकी फाइल ट्रांसफर होगी, जो 15 दिन बाद
कस्टमर को दी जाएगी। तो आप मुझे बताएं कि इसके 120 गज की जो फेज वन के अंदर क्या अपडेट है, वो फेज टू की और फेज थ्री की तो आप डिटेल दे चुके हैं, फेज वन और फेज टू की भी शॉर्ट अपडेट दे दें कि हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में पता चल जाए, उनको वहाँ भी कुछ लेना तो आपसे ले सके। फेज वन जो है ना, इसका चार साल पहले 10 लाख 12 लाख का था, जो अब माशाल्लाह जाके 25 से 28 लाख पे हो गया है। अच्छा, डबल हो गए। बिल्कुल डबल से भी ऊपर हो गया आप देखने जाए तो। जो लोग फायदे में रहे हैं तो माशाल्लाह, फेज टू भी तकरीबन था 8 से 12 लाख रुपए का भी, आज वो माशाल्लाह हो गया है 15 से 16 लाख रुपए का। तो रमेश भाई, अगर हमारे व्यूवर्स अगर आपसे कोई भी प्लॉट यहाँ लेते हैं तो उनको क्या फेवर? उनको फेवर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के चीज उनको पूरी अच्छी मिलेगी और लोकेशन के हिसाब से इनको चीज दी जाएगी। आप रेटों में डिस्काउंट भी थोड़ा करवाएंगे ना? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जितना बन सकेगा इतना इंशाल्लाह इनको करेंगे। इनको फायदा होगा तो माशाल्लाह आगे मेरे को फायदा होगा। आप मेरे व्यूवर्स अली कादरी जो आप हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो के तवज्जो से आपको फोन करते हैं तो उनको आपको नाम लेते हैं तो आपको उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको एक तो कमीशन की बेसिस पे आपको देना पड़ेगा, दूसरा आपको फाइल के रेटों में भी देना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ये आप देखिएगा, ये आप देखें, ये बोल रहे हैं आपसे आप रब्ता करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट जरूर देंगे और कमीशन भी नहीं लेंगे। इसलिए मैं जिस भाई को साथ वीडियो बनाने लाता हूँ मैं उसको पहले बोलता हूँ, मेरे भाई मैं अपने व्यूअर्स से कमीशन नहीं लेने दूंगा आपको, मैं लेता हूँ अलग बात है, मगर तुम नहीं लोगे अपनी वीडियो में आने में, तुम हमारे को ये फैसिलिटीज हमें सहूलत दोगे हमारे व्यूअर्स को, तो मैंने इनको भी ये बात कर दी है और आप ही सुन लें, अगर आप कोई चीज लेते हो तो आपको कमीशन नहीं देना इनको इन फाइलों के लिए, बात में इनके पर्सनल क्लाइंट लेते हो एक अलग चीज है, मगर अपने वीडियो से कोई भी इनके थ्रू फोन करेगा तो ये कमीशन नहीं लेंगे हमारी बात। सोसाइटी ऑफिस का सोसाइटी ऑफिस इनके जाएंगे और आप ट्रांसफर करवा के इनको सब काम करवा के देंगे हमारे व्यूअर्स को, इसलिए नहीं टेंशन हो कोई चीज की या कोई परेशानी हो, आपको चीज की परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं है। 10,600 रुपए इसकी फीस है। अच्छा, 10,600 रुपए और डॉक्यूमेंट चार्जेस होंगे? डॉक्यूमेंट चार्जेस होते हैं, अखबार में ऐड आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, 13-14-15 हज़ार रुपए खर्चा बैठ जाएगा, जो भी होगा वो आपको डिटेल दे देंगे। देखिए, अगर ये आप फाइल इनके थ्रू लेते हैं या हम मेरे से के लेते हैं या कोई और भाई से भी लेते हैं तो ये भाई आप लाजमी व्यूअर्स आप चीज को समझ लें, अगर किसी से भी कोई प्रॉपर्टी का सौदा करेंगे पहली बात आप लिखित में करेंगे, आप कोई अगर 10,000 देते हैं या 50 देते हैं या 50 लाख देते हैं किसी को तो आपने लाजमी लिखित करनी है, किसी से बगैर लिखित किसी को पैसे देने, बल्ले आपका जानने वाला बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, लिखित होती है तो वही मानी जाती है और किसी चलते फिरते स्टेट ब्रोकर से काम नहीं किएगा जिसका ऑफिस हो, जो आपको परमिट बुला सके या अपने घर पर बुलाए या आपके अपने ऑफिस से बुलाए, तो इन चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल रखना है। देखिए, मुल्क के हालात आपको सब पता है और कराची के हालात खुद सबको पता है, यहाँ पर फ्रॉड हो जाते हैं, तो अगर फ्रॉड से बचने के लिए आपको इन थोड़ी सी बातों पर अमल करना पड़ेगा और लाजमी फाइल लेने के बाद उसको आपको वेरीफाई भी करवाना है सोसाइटी से, और सोसाइटी जिस फाइल को ऑन करेगी वही आप लेंगे और उसी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम इसलिए ही आपको इन भाइयों से इनका इंटरव्यू लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। ये भाई हमारे को पता है, ये काम करने वाले लोग हैं, इनसे हमारा एक बहुत अच्छे टाइम से काम चल रहा है और हमें आज तक तकलीफ नहीं, तो मैंने ऑन रिक्वेस्ट इनको करी है, हमारे वीडियो में भी है और आप हमारे व्यूअर से डायरेक्ट भी काम करें, अगर कोई डायरेक्ट आपको कॉल करता है उनसे भी करें, मेरे को कोई इशू नहीं है, अल्लाह पाक हमें भी दे और उनको भी रोती दे। अपने मेहमान मोहम्मद अली कादरी को इजाज़त दें अल्लाह ने के बाद।